मणिकर्णिका ने क्वीन ऑफ झांसी से बॉलीवुड में अपने कदम जमाने वाली अंकिता लोखंडे फिल्म के रिलीज के पहले ही नजर आने वाली हैं स्टार प्लस के इस शो में। आइए आपको बताते हैं कि क्या होगा इस शो में अंकिता का किरदार और कौन सा है ये शो। वह मणिकर्णिका तो क्वीन ऑफ झांसी से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं अंकिता लोखंडे, जहां पर इस फिल्म में लीड रोल में है कंगना रनौत, तो वही फिल्म में जानकारी बाई का रोल कर रही हैं अंकिता लोखंडे। इस लुक को देखकर साफ कहा जा सकता है कि अंकिता का यह रोल काफी ज्यादा धमाकेदार और एंटरटेनिंग रहने वाला है। वहीं अगर बात करें अंकिता लोखंडे के वर्क फ्रंट की, तो फिलहाल अंकिता अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए पहुंच रही हैं स्टार प्लस के शो डांस प्लस 4 में, जहां पर अंकिता एक पावर पैक परफॉर्मेंस करती हुई नजर आने वाली हैं। आपको बता दें कि अंकिता ने इस डांस परफॉर्मेंस से अपने लुक्स को शेयर किया है इंस्टाग्राम पर, जहां पर अंकिता गोल्डन ड्रेस में काफी ज्यादा ग्लैमरस लग रही है। अंकिता के इस लुक को देखकर साफ साफ कहा जा सकता है कि किस तरह से वो फिल्म में भी अपने किरदार को पूरी तरह से ईमानदारी से निभाने वाली है। वह यहाँ पर अंकिता काफी ज्यादा खूबसूरत और स्टनिंग लग रही थी, जहाँ उनके इस ड्रेस और हाथों में तलवार देखकर साफ कहा जा सकता है कि वो एक मराठा फाइटर है। अगर वही बात की जाए तो टीवी में डेब्यू करने के बाद अब अंकिता फिल्मों में डेब्यू कर चुकी है, जिसके चलते फिलहाल वो टीवी पर कमबैक नहीं करना चाहती हैं। अंकिता से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो कब टीवी पर वापसी करेंगी, तो उन्होंने अपने इस खास स्टेटमेंट में कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 6 साल टीवी को दिए हैं, जिसके चलते फिलहाल वो फिल्मों में जा चुकी है और फिल्मों में ही काम करना चाहती है। हालांकि यहाँ पर अंकिता ने बात को संभालते हुए ये भी कहा कि टीवी उनका घर है, इसीलिए वो टीवी में कभी भी कमबैक कर सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल अंकिता के पास मणिकर्णिका के अलावा दूसरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, इसीलिए देखना काफी ज्यादा दिलचस्प ये होगा कि अंकिता मणिकर्णिका तक की नवझांसी के बाद कहाँ नजर आती है, फिल्मों में या फिर अपने घर यानी कि टीवी में। वेल, आप अंकिता को कहाँ देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।